नमस्कार, स्वागत है आपका रॉयल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ बबली। मुजफ्फरनगर जनपद में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को लगातार जन्म दिया जा रहा है। समूह के रूप में महिलाओं को मिलने वाली योजना भी महिलाओं को मिलने वाली प्रॉफिटेबल योजनाओं में से एक है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी संदीप भागिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद भर में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिहाज से SBI बैंक द्वारा जनपद भर में कुल 118 समूह को चेक देकर महिलाओं को विभिन्न रोजगार करने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए चेक बांटे गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने तृतीय महाप्रबंधक देवाशीष मित्रा ने बताया कि हमारी सरकार की यही मंशा है कि किसी तरह हम महिला को शक्ति दे और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे दे। उसी क्रम में 118 स्वयं सहायक समूह की महिलाओं को लोन के चेक बांटे गए, क्योंकि आज अगर वे कमाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी और वे अपने परिवार को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकेंगी। CDO संदीप भागिया ने बताया कि महिलाएं समूह से जुड़ने के बाद दूध की डेयरी, सिलाई कढ़ाई बुनियाई के अलावा भी रोजगार कर आजीविका चला सकती है। जनपद भर में महिलाओं को सरकारी योजनाओं से प्रॉफिट करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने SBI टीम का धन्यवाद किया। आज विकास भवन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्रेडिट लिंकेज जो समूह के साथ किया गया है, लगभग 118 समूह कवर किए गए हैं। इसके लिए आयोजन किया गया था, जिसमें इनके दिल्ली से वेस्टर्न यूपी के जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, यहाँ के हमारी NRLM की सारी टीम और 118 समूहों की दीदियों से एक एक जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं वो सब आए हुए हैं। इन सभी को हम लोग ने क्रेडिट लिंकेज से जोड़ा है और इन सबको अवगत कराया है कि धीरे धीरे जैसे ही अपने लोन वापस करते जाएंगे, इनको और बड़ा लोन देने के लिए SBI तैयार रहेगा। SBI को मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम कराया और समूह की दीदियों को व्यवसाय से जोड़ने का काम किया। सबका अलग अलग कार्य है। आपने जैसे देखा होगा प्रोग्राम में, कुछ दीदियां डेयरी के कामों में जुड़ी हुई हैं, अपना भैंसों का, गाय का दूध निकाल के वो बेचते हैं मिडिल मैन को। कुछ दीदियां कपड़े बनाने का काम कर रही हैं, कुछ फूड स्टॉल्स लगा रही हैं। सबके सब कैश रिच बिजनेस है, जिसमें डेली कैश का उत्सर्जन होगा और बैंक की इनको सर्विसेज डेली ही चाहिए पड़ेंगी। तो ये जो रिश्ता बना है SBI और इनके बीच में, मैं आशा करता हूँ कि ये कंटिन्यू रखेंगे एंड भविष्य में बाकी जो सरकारी स्कीमें भी हैं, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस फूड के जो एंटरप्राइजेस हैं या मुद्रा लोन्स के बारे में बताया गया, उन सब से भी ये सब दीदियाँ जुड़ेंगी। आज हमने 118 समूह को चेक वो आज वित्तीय पोषण दिया है, तो सबकी अमाउंट डिपेंड करेगी उनकी कार्यशैली पर, क्या क्या काम करेंगे और उनको उसी हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उनको ऋण देंगे। तो ये आज हमारा, कल हमने ऐसी तरह के एक प्रोग्राम हमने कल सहारनपुर में की थी, आज हम लोग मुजफ्फरनगर में कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम लोग हर एक जिला में स्टेट बैंक और NRLM मिलके हम लोग स्वयं सहायता जो समूह की जो भागीदारी है उसको कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और कैसे बढ़ा सकते हैं। सर, शहरी क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में? यहाँ शहरी क्षेत्र में हम लोग NULM के थ्रू करते हैं, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के थ्रू, और गांव वाली जो क्षेत्र होते हैं उसमें हम लोग NRLM के माध्यम से करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है अपने NRLM के साथियों, अपने जो बैंक सखियां हैं उनके द्वारा, जिसके लिए कि आज हम लोग यहाँ कर पाए और आने वाले दिनों में ये हम लोग और इसको एक 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 उच्च स्केल तक ले जाएंगे। इसके पीछे देखिए, सिर्फ बैंक के नहीं, सरकार के यही मकसद है कि कैसे हम महिला को और ज़्यादा कैसे उसको शक्ति दे, उनको वित्तीय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे दे। आज अगर वो कमाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उनका आय बढ़ेगी और वो अपना परिवार को एक रिस्पेक्टेबिलिटी दे सकता है। तो प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि, हाँ बिल्कुल, तो इसी इसी क्रम में जो दीदियां इसमें से कुछ और कुछ नया सोचना चाहेंगे, उनका काम अगर और बढ़ेगा, उसके लिए बैंक स्वयं सिद्धा की जो लिमिट है वो देंगे और उनको और हम लोग वित्तीय सहायता देने की कोशिश करेंगे। स्टैंड अप इंडिया लोन से महिलाओं के लिए वो भी हम लोग देते हैं। इसी तरह हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए रॉयल बुलेटिन।